आभार। आज क्रिसमस फेलोशिप निमित्ते आप सर्वनु फरी एक बार स्वागत है। तमारो बधानो आभार के सीएनआई मंडळीना मान आमंत्रण ने मान आपीने आप सर्व अहींया पधार्या छो। हवे आपणे आजना संदेशामां आगळ वधीशुं अने आजना जे वक्ता छे एजी चर्च पालनपुरना पास्टर श्री नरेन्द्रभाई तेओने आपणे आ समय आपवा माग्ये छे। तेओ प्रभुना वचनमां आपणने दोरे अने आजनुं वचन आप सर्वने माटे आपणा माटे आशीर्वादित थाय तेवी प्रभुने नम्र विनंती प्रार्थना छे। पास्टर नरेन्द्रभाई साहेब आगळ आवशो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आज परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में दिया। वो खुदा का धन्यवाद करते हैं हम परमेश्वर के ये दिन के लिए जो परमेश्वर इस घड़ी विराजमान है और ये सप्ताह में हम अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा में अलग अलग देश में जो परमेश्वर के जन्मदिन के उत्सव में अलग अलग जगह हम परमेश्वर के संदेश को लेकर जो कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम संदेश से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे और आज का वचन परमेश्वर आप सबके हृदय में काम करने पाए। आज का वचन पवित्र आत्मा की ओर से हमारे बीच में आने पाए। आज तक परमेश्वर हमारे जीवन में जो कार्य नहीं हुआ है आज परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के हृदय में काम करने पाएगा। मैं परमेश्वर खुदा का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु इस दिन के लिए परमेश्वर तूने मुझे चुना उसके लिए मैं खुदा तेरा धन्यवाद करता हूँ। खास कर परमेश्वर प्रभु जी आए हुए तेरे दास और तेरे परमेश्वर बेटा बेटियों को परमेश्वर खुदा मैं तेरे हाथ में सौंपता हूँ। परमेश्वर प्रभु यीशु ओ परमेश्वर खुदा जो वचन परमेश्वर आज तू दे रहा है परमेश्वर प्रभु जी हर एक के जीवन के अंदर परमेश्वर आत्मिक उत्तेजन परमेश्वर आत्मिक भोजन से तृप्त होने के लिए यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर प्रभु जी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी जिस तरह से मरियम के जीवन को परमेश्वर प्रभु जी तूने इस्तेमाल करा मेरे खुदा आज परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसी तरह से इस्तेमाल होने पाए ऐसी मैं विनती यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर खुदा का धन्यवाद करते हैं ये समय के लिए जो आज हम वचनों में पढ़ा है कि जो लूका पहला अध्याय उसकी 26 कलम के अंदर कुछ आयत इस तरह से लिखी हुई है। इसमें लिखा है छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल दूत गलील नासरत में आया। मैं परमेश्वर खुदा का धन्यवाद करता हूँ और एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने में एक पुरुष से हुई थी उस कुंवारी का नाम मरियम था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जब इस पृथ्वी पर ऊपर जब नासरत के अंदर परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और वो घूमता घूमता आ करके मरियम के पास आ पहुंचा और मरियम से वो कुछ बातें करने लगे और कुछ कहने लगे कि मुझको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है और परमेश्वर ने आपको पसंद किया है और इस पृथ्वी पर आपके द्वारा परमेश्वर एक बच्चे को उत्पन्न करेगा और ये पृथ्वी का उद्धार होने पाएगा ये पृथ्वी का उद्धार करता होगा ये पृथ्वी पर सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहलाएगा। इस बातों को सुन के मरियम सुरग दूत से कुछ बातें करने लगती है सुरग दूत से कहने लगती है कि ये परमेश्वर के दूत तेरे को कुछ गलत फहमी हुई है तेरे को कुछ गलत जगह तुम पहुंच गए हो कुछ गलत जगह आ गए हो क्योंकि मैं अभी किसी मनुष्य को नहीं जानती हूँ मैं किसी अभी शादी नहीं हुई है मैं कुंवारी हूँ तुम जरूर तुम्हारे से कुछ गलती हुई है जल्दी गलती हुई है। दूत उस टाइम
मरियम को कहते हैं मुझको परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा, हम दूत लोग ऐसे ही नहीं, हम परमेश्वर की ओर से ये पृथ्वी पर आते हैं और परमेश्वर आज मुझको गलत जगह नहीं सही जगह ठहराया है, सही जगह पहुंचाया है और वो स्त्री तू है जिसका नाम मरियम है। हालेलुया, हालेलुया, तेरा नाम मरियम है और जिससे तेरी मंगनी हुई है उसका नाम यूसुफ है और वो एक बढ़ी का काम करने वाला व्यक्ति है और वो बढ़ी का काम करता है। इन बातों को सुन के मरियम के जीवन के अंदर एक बड़ी चौकन्नी आ गई, एक बड़ा अफसोस आया और वो जानने लगी कि ये मेरा नाम और मेरे पति को जिससे मेरी मंगनी हुई है उसका नाम और वो काम क्या करता है वो कैसे जानता है। उन बातों को सोचती हुई, उन बातों को सुनती हुई मरियम एक बहुत भयभीत हो गई और डर गई और वो डर के उसको कहने लगी कि जरूर परमेश्वर ने तुझको सही जगह पे भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं आगे सूरजदूत ने आकर उसके 28 कलम में हम पढ़ते हैं उसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। सूरजदूत ने उसके भीतर आकर कहा आनंद और जय तेरी हो जिस पर इसको का अनुग्रह हुआ है प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हम देखते हैं मरियम के जीवन के अंदर जब स्वर्गदूत ने उससे कहा तू एक बालक को उत्पन्न करेगी, तेरे को एक बालक को जनेगी, एक पुत्र को तू जन्म देगी, मरियम बहुत डर गई थी, बहुत भयभीत हो गई थी और कहने लगी स्वर्गदूत से मैं तो अभी किसी पुरुष को भी नहीं जानती हूँ, मैंने अभी किसी पुरुष को नहीं देखा है और बहुत डर गई और स्वर्गदूत से कहने लगी अगर इस बात को मेरे घर में मालूम पड़ेगा, मेरे समाज में मालूम पड़ेगा तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, मैं अपने आप को किसके सामने साबित करूंगी, लोग मुझको कलंकित कहेंगे, लोग मुझको अलग अलग तरह का सवाल करेंगे। स्वर्गदूत से मरियम बातें करने लगती है। मेरे प्रियो वो डर गई। उस टाइम स्वर्गदूत ने उससे कहा ईश्वर का अनुग्रह तुझ पे हुआ है, परमेश्वर तेरे साथ है। वो बहुत घबरा गई, सोचने लगी, मरियम बहुत भयभीत हो गई, बहुत डर गई क्योंकि आज इस बात को देखते हैं और इस बात को सुनते हैं हर एक के जीवन में अगर ऐसा होता है तो बहुत गर्म घबराने वाली बात, शर्म वाली बात वो सोचने लगी। लेकिन दूत ने उसको कुछ कहा, उसने कहा परमेश्वर के दूत ने कहा तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को उत्पन्न करेगी और उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, उसका नाम यीशु रखना, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। इतनी बात सुनकर मरियम दूत के चरणों में गिर पड़ी, दूत के चरणों में गिर पड़ी मेरे प्रियो और कहने लगी अगर परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अगर परम प्रधान का पुत्र हमारे जीवन के अंदर, हमारे घर के अंदर मेरे से इस पृथ्वी पर आने के लिए तैयार है तो मैं हर एक लज्जा सहने के लिए तैयार हुआ। हालेलुया, मैं हर एक लज्जा सहने के लिए तैयार हूँ क्योंकि परम प्रधान का पुत्र इस पृथ्वी पर लोगों का उद्धार करने के लिए अगर आने वाला है तो मैं हर एक लज्जा, हर एक शर्म लायक बात को मैं सहने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं हर एक के सामने खड़ी होके जवाब दे सकूंगी कि मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया, हर एक के सामने मैं कह सकूंगी कि मेरे खुदा ने मुझको पसंद करा है। मेरे प्रियो आज आप और हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, आज आप और हम इस जगह पे बैठे हैं। खुदा ने जिस तरह से ये पृथ्वी पर आने के लिए मरियम को पसंद करा है, जिस तरह से एक पृथ्वी पर लोगों का, आपका और मेरा उद्धार करने के लिए, सारे जगत का उद्धार करने के लिए मरियम को पसंद करा है, उसी तरह से खुदा आज आपसे, मुझसे और सब लोगों से प्रेम करता है और सब लोगों का उद्धार करने के लिए ये पृथ्वी पर आया है, सब लोगों को जीवन देने के लिए आया है,
सब लोगों को पाप से मुक्ति देने के लिए आया है, सब लोगों को पाप से अछाट करने के लिए आया है। मेरे प्रियो, आपको मुझको प्रभु यीशु ने अछाट किया। किसके द्वारा किया? मरियम के द्वारा। परमेश्वर ने इस बात को सुनते हुए जो कहा वो बड़ी एक अनुग्रह की बात है। और आज वो देखते हैं ये संसार के अंदर ये सब चीज पाई जाती है। संसार के अंदर आज देखते हैं बहुत सी जगह जब पूछा जाता है आप कौन हो, हम बताने में डरते हैं, आप कौन हो हम बताने में डरते हैं, आप कहाँ जा रहे हो हम आप उसको बताने में डरते हैं, हम फिर भूख के पास लोग चर्च आते हैं तो उसको बताने में डरते हैं। मेरे प्रियो, जिस तरह से परमेश्वर आज मरियम के जीवन में काम करा वही परमेश्वर कहता है डर मत मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर डर मत मैं तेरे साथ हूँ। और जो लोग डरते नहीं हैं वो मरियम की तरह परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता है। जो लोग परमेश्वर को उद्धार करता ग्रहण करते हैं परमेश्वर उनके जीवन में एक उद्धार करता के तरीके से सर्वशक्तिमान एक परमेश्वर उसके घर के अंदर उसके जीवन के अंदर उसके परिवार के अंदर उसकी जॉब के अंदर उसकी नौकरी के अंदर परमेश्वर एक बड़ा अनुग्रह को लेके आता है। मेरे प्रियो, देखते हैं जब बड़ी के काम करने वाले के घर के अंदर परमेश्वर उद्धार करता जन्म लेता है तो आपके मेरे जीवन को भी लोगों के जीवन को बदलने की वो सामर्थ रखता है। हालेलुया, सामर्थ रखता है। आज वो खुदा जब मरियम ने इन बातों को ग्रहण किया और उसने कहा और परमेश्वर का पुत्र मेरे जीवन में मेरे घराने में मेरे कुटुंब के अंदर आएगा तो मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? हम सोचते हैं ये कैसे होगा। स्वर्गदूत ने कहा पवित्र आत्मा की ओर से तेरे पेट के अंदर तेरे कोख के अंदर परमेश्वर तुझे गर्भवती करेगा। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मरियम ने दूत के सामने घुटने टेक के उसको प्रणाम करा, प्रणाम करा और उसने कहा ये परमेश्वर के दूत ने उसको उत्तर दिया पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पे छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र उत्पन्न होने वाला परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कहलाएगा। हालेलुया। आज हम वो खुदा का धन्यवाद करते हैं इतनी बातों को सुनते हुए, इतनी बातों को कहते हुए मरियम ने परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया और आनंद से खुशी से बड़े आनंद के साथ परमेश्वर के वचनों का परमेश्वर के दिन का इंतजार करने लगी और उसमें फिर आगे बढ़ते गए। परमेश्वर को देखते हैं और ये पृथ्वी पर परमेश्वर ने जन्म लिया और उसके जब जन्म लेते हुए ही उसको दंडवत करने जो उसके नाम से घृणा करते थे जो उसको नाम को उसको दूर रखते थे उसको आने से पसंद नहीं थे वो लोग उसको ढूंढने के लिए उसके दर्शन पाने के लिए उसके पास आने के लिए उसको प्रणाम करने के लिए उसने गडरियों को उसको लोगों को भेजा और ढूंढते ढूंढते वो लोग परमेश्वर की खोज में चल निकले, परमेश्वर की खोज में चल निकले। मेरे प्रिय, वो लोग कौन थे? वो राजाओं के लोग थे और वो राजाओं के लोग थे वो दंडवत करने के लिए आज हमारे जिंदे खुदा के पास निकले। वो खुदा आज आपके और मेरे बीच में उपस्थिति है और आप और मेरे बीच में उसने जन्म लिया हुआ है। हालेलुया। हम नाताल का त्यौहार, हम क्रिसमस का त्यौहार हर साल मनाते हैं, हर साल हम नाताल के उत्सव भी करते हैं। मेरे खुदा, नाताल के त्यौहार को हम मनाते हैं। मेरे पिता, हमारे जीवन के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु जब मरियम के जीवन के अंदर उत्पन्न हुआ, मरियम के जीवन के द्वारा पृथ्वी पर आया, देखते हैं पूरी पृथ्वी का उद्धार हुआ। आज वो खुदा को हम परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, आज अपने आप को हम उसके हाथ में सौंपते हैं तो आपका जीवन बदलने के लिए वो परमेश्वर चाहता है। इसी तरह हम हर परमेश्वर के जन्मदिन को मनाने में, इसी तरह से हम परमेश्वर के नाताल को मनाने में पूरा जीवन निकल जाते हैं। मेरे प्रियो, सोचना चाहिए मरियम के द्वारा क्या परमेश्वर मुझसे काम करना चाहता है।
क्या परमेश्वर मुझको काम करना चाहता है, मुझको इस्तेमाल करना चाहता है। जब परमेश्वर सुतार के घर के अंदर मरियम को इस्तेमाल करता है तो ये पृथ्वी पर रहते हुए वो परमेश्वर आज आपको और मेरे जीवन को भी इस्तेमाल करता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे। हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे कुछ समय के लिए। परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपेंगे। अपने स्थान पे हम खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से मेरे खुदा आज परमेश्वर प्रभु यीशु ओ दयालु पिता परमेश्वर ओ तो परमेश्वर प्रभु जी आज के समय में परमेश्वर तूने पृथ्वी पर छिनप लिया प्रभु यीशु। हर एक पापी को परमेश्वर छुड़ाने के लिए, हर एक पापी के जीवन को उद्धार देने के लिए, हर एक पापी को नाश करने के लिए नहीं लेकिन उससे आजाद करने के लिए मेरे खुदा तूने जन्म लिया मेरे खुदा। जब परमेश्वर प्रभु यीशु दूत मरियम के पास गया, मरियम से बोला और मरियम घबरा गई, डर गई, ना बोलने लगी, लज्जा से डरने लगी, मुंह छुपाने लगी, कहने लगी मैं अपने आईने को देख के कांच के अंदर मैं अपना मुंह को देख के मैं किस तरह से जवाब दूंगी। मेरे प्रियो आज वो समय अपने जीवन के अंदर है, हमें सोचने का समय है, हमको अपने आप को परमेश्वर के हाथ में जांचने का समय है। परमेश्वर खुदा क्या ये चीज मेरे अंदर है, क्या मेरे अंदर अभी भी कुछ छुपाने वाली वस्तु है, क्या मेरे अंदर परमेश्वर प्रभु जी किसी को बताने के लिए, किसी को जगह बोलने के लिए परमेश्वर खुदा कोई घटी, तो आज मेरे खुदा मैं हर तरह के जैसा नाताल नहीं, हर तरह का जैसा परमेश्वर क्रिसमस नहीं, हर तरह के जैसा परमेश्वर बड़ा दिन नहीं परमेश्वर खुदा, लेकिन आज मेरे परमेश्वर मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। मैं डरने वाली आत्मा नहीं परमेश्वर खुदा, एक तेरी आशीष भरी आत्मा, तेरे सुसमाचार को लेकर जाने वाली आत्मा, जैसे मरियम के जीवन के अंदर परमेश्वर प्रभु जी तूने आगे बढ़ाने के लिए उसके नाम को इस्तेमाल किया, मरियम की खोप को इस्तेमाल किया मेरे खुदा, इसी तरह परमेश्वर प्रभु जी मुझको इस्तेमाल कर, मेरे परिवार को इस्तेमाल कर मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु यीशु। आज परमेश्वर खुदा मैं विनती करता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु, यहां के खड़े हुए हर एक लोगों परमेश्वर खुदा तेरे जीवन में तेरे हाथ में सौंपता हूं, इनके जीवन के अंदर परमेश्वर प्रभु जी, नासरत के अंदर परमेश्वर तूने जन्म लिया परमेश्वर प्रभु जी, गलील के अंदर परमेश्वर जन्म लिया मेरे खुदा, आज परमेश्वर प्रभु जी दिशा के अंदर परमेश्वर जन्म लेने पाए मेरे खुदा, आज दिशा के अंदर परमेश्वर तेरा नाम को रोशन होने पाए परमेश्वर, आज दिशा के अंदर परमेश्वर तेरे नाम का उद्धार होने पाए परमेश्वर। जो लोग यहां पर परमेश्वर अलग जगह से तू लेके आया मेरे खुदा, इनके द्वारा परमेश्वर प्रभु जी तेरे आपकी महिमा को होने पाए करने दे परमेश्वर प्रभु जी, बड़ा अनुग्रह परमेश्वर इनके घर के अंदर आने पाए, बड़ा अनुग्रह परमेश्वर इनकी मिनिस्ट्री में आने पाए, बड़ा अनुग्रह परमेश्वर इनकी जॉब के अंदर आने पाए, बड़ा अनुग्रह परमेश्वर प्रभु जी इनके कार्य के अंदर आने पाए, इनके बिजनेस के अंदर आने पाए परमेश्वर प्रभु जी, होने दे परमेश्वर तेरी बढ़ोतरी को, तेरे कार्य के बढ़ोतरी को होने दे परमेश्वर प्रभु जी, सच्चाई खराई से परमेश्वर खुदा आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु इन लोगों को परमेश्वर यहाँ पे खड़े हुए आए हुए को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। जहाँ तक आवाज जा रही है परमेश्वर खुदा हर एक जीवन में परमेश्वर ईश्वर ही परमेश्वर खुदा है, उनको प्रेरित करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए ईश्वर के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ और घोषणा करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी, हर एक के जीवन के अंदर परमेश्वर प्रभु जी तू कार्य करने पाए, तू कार्य करने पाए मेरे खुदा परमेश्वर प्रभु जी, दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जी, मरियम को चुना, मुझको चुना, यहाँ हर एक व्यक्ति को चुना है तूने परमेश्वर खुदा, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर प्रभु जी। आज तूने हर एक के हृदय में परमेश्वर काम किया है परमेश्वर प्रभु जी, हर एक के जीवन को परमेश्वर डर से दूर किया है परमेश्वर प्रभु जी, इस जगह को तूने परमेश्वर डर से दूर किया है मेरे खुदा परमेश्वर, सबको तेरे हाथों में सौंप देता हूँ परमेश्वर, बड़ी ब्लेसिंग इनके जीवन में आने पाए, आज यीशु तू जन्म लेने पाए परमेश्वर, हृदय के अंदर जन्म लेने पाए, मन के अंदर नहीं परमेश्वर प्रभु जी, लोगों को दिखाने के लिए नहीं परमेश्वर, वो परमेश्वर प्रभु जी उनके हृदय के अंदर तो काम करने पाए खुदा, सारी विधि उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन। बैठ जाएंगे, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर छोटे से वचनों से आप सबको आशीष दे, सबको